ये देख सकते हो अपना GoPro, जिसके लिए मैं इतने टाइम से बोल रहा था आपको, तो फाइनली अपने हमने ले लिया GoPro Hero 7। ये रहा अपना माउंट, ठीक है, ये देख सकते हो ये माउंट है अपना विद चार्ज। सबसे पहले बाइक को वॉश करो, अलग देखो कितनी हरियाली है, एक अच्छी फ्रेश है। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, होप कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे। गाइस सो गाइस, आज का ब्लॉग बड़ा ज्यादा स्पेशल होने वाला मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि जैसे मैं आपको बड़े दिन से बता रहा था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज है, अब थोड़ी क्वालिटी को करूंगा इम्प्रूव। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है, तो सोचो क्या होगा वो, ठीक है, आपको तो पता चल गया होगा थंबनेल देख के, तो सोच लो फिर भी क्या होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही वो चीज, देख रहे हो गाइस, यही है। फाइनली आपके भाई ने ले लिया GoPro, बट GoPro ये नहीं बोलता मैं 10 लिया है या 9 लिए है, GoPro है Hero 7, लेकिन है तो GoPro ना भाई, क्योंकि मेरा फोन इतना ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है, 1080 में ही बनानी पड़ेगी मेरे को इसमें भी। ये देख सकते हो अपना GoPro, जिसके लिए मैं इतने टाइम से बोल रहा था आपको, तो फाइनली अपने हमने ले लिया GoPro Hero 7, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और एक GoPro नहीं, GoPro इसके साथ मीडिया मोड मतलब कि अडॉप्टर और अपना माइक है बोया का, ठीक है, इसमें सेलकल मैंने डलवाया, तो आज चेक करेंगे कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है, वो नहीं मेरे को पता अभी तक मैंने चेक नहीं किया। आज के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। और ये सामने रही अपनी बाइक, और एक चीज़ और है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले करती हूँ उसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे पीछे इसको डिस्प्ले है, बैटरी, और इसमें ये कार्ड का बता रहा है कि कितनी स्टोरेज वगैरह कुछ भी जो होगा। और फ्रेम ये मैंने 2.7 के रखा है, लेकिन 1080 में ही बनाऊंगा मैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं 1080 में, ठीक है, इसको 25 में रखते हैं बैक। और इसमें देख सकते हैं आप वॉइस कंट्रोल है, ये आवाज़, और ये चीज़ है कि ये बंद भी होगा ना, तो ये खाली ये वाला हमें टैप करना और ऑटोमेटिक मतलब जल्दी ऑन हो जाता है, नहीं तो साइड से टैप करना पड़ता है, फिर होता है घड़ी तरह। ये यहाँ पे ये देखो, ये इसकी बैटरी, तो इसमें मैमरी का डला जो वो है A1, इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो ये हमने लिया मतलब 650 का, 700 650, A1 64 GB, ये देख सकते हो ये छोटा सा, इतना महंगा। तो 64 GB लिया मैंने सोचा अभी 64 GB बड़ा होता है, ठीक है, तो बाद में देखेंगे, अगर कभी इन फ्यूचर हमने GoPro चेंज किया तो फिर दूसरा ले लेंगे, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। तो ये कच्चा रोड, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, कॉल आई थी, मैंने एक पार्सल मंगाया था, वो आ रहा है, वो मतलब आ गया है। पार्सल क्या है कि मैंने फ़ोन होल्डर मंगाया था, क्योंकि फ़ोन में बड़ी दिक्कत होती है भाई। आ गया अपना पार्सल, देखते हैं। एक ये यहाँ पे, मैं इधर आ गया, ये वाला। सो गाइस, ये रहा अपना पार्सल, एंड ये जल्दी जल्दी घर पे जाके इसको करते हैं अनबॉक्स। पैकिंग देखो कौन सा स्टाइल की हुई है। इसको साइड पे, सो फाइनली गाइस ऐसी पैकिंग में लग रहा तो मेटल का ही है। तो मैंने चार्जिंग वाला मंगाया है, ये देखो ऐसा एक चीज़ और मिली है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये देखो, ये पैडिंग है यहाँ पे लगाने के लिए, ये फ़ोन को इफेक्ट नहीं पड़े, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी इसके साथ, ये तो ये भी लगा देंगे हम, देख रहे हो ऐसे करते हैं इसको फिट। ये रहा अपना माउंट, ठीक है, ये देख सकते हो ये माउंट है अपना विद चार्जर, इसको चार्जिंग भी है। अभी फ़िलहाल हम इसको पैक करके ऐसे रखेंगे, मतलब चार्जर अभी बाद में फ़िट करवा देंगे, सबसे पहले इसको करते हैं फिट। सामने देख सकते हो बाइक, इसको अभी वॉश करते हैं, देन उसके बाद इसको फिट करते हैं। तो चलते हैं एक राइड पे, एक मस्त सा ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कैसा ब्लॉग बनता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बाइक को वॉश करते हैं, फटाफट मारते हैं पानी, बाइक को पानी मारेंगे, बाकी बाद में वॉश करेंगे।
और गाइस एक चीज़ और, पता नहीं मेरे को कोई ऐसा करता कि नहीं, तो मैं जैसे आपने देखा कि हर बार मैं अपना क्या बोलते हैं चेन स्प्रे लेके रखता हूँ, बट इस बार मैंने चेन स्प्रे लिया क्योंकि वो मतलब बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं सही चीज़ है कि नहीं। और मैंने ये देख सकते हो, ये है इंजन ऑयल जो मतलब बच गया था मेरी बाइक का, थोड़ा ज़्यादा आता ना तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। बोलते हैं कि ये अच्छा रहता है, मतलब कि ये थोड़ा टाइम तक ड्यूरेबल रहता है, थोड़ी टाइम तक रहता है, वो जल्दी उतर जाती है, तो इस मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको यूज़ करता हूँ, तो देखता हूँ क्या रिजल्ट रहता है। अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो भाई चेन स्प्रे ले लेंगे वापस, थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो ये खुद आवाज़ थोड़ी थोड़ी जो होगी ये ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस फटाफट फटाफट निकालते हैं इसको, तो मिलते हैं उसके बाद। तो इस पहले सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे इसको स्टैंड, ठीक है। सो गाइस अभी मैं ये तो ले आया हूँ, तो इसके साथ हल्की की भी मिली हुई है हमें लगाने के लिए। अब क्या पता भाई लग जाना चाहिए, ये ग्रिप अच्छे से मतलब होता है ना कभी कभी, ये कभी छोटी होती है हैंडल पे फिट नहीं आती है, तो ये हो जानी चाहिए यार जितने टाइम तक ये हैंडल है, जब ये हैंडल चेंज करवाया तो तब उसके साथ लगवा देंगे। तो देखते हैं गाइस क्या सीन रहता है, सबसे पहले एक बार चेक तो करते हैं। सो फाइनली गाइस ये रहा अपना, यहाँ पे चेक करते हैं, लगता ही नहीं ये आ गया फोन। और ये रोटेटेबल है, हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से फिट कर दी हमने, तो ये देख सकते हो फ़ोन पूरा अच्छे से मतलब ग्रिप अच्छी है इसकी, पूरा टाइट करें, ये देखो अब निकाल रहे कहाँ, ये नहीं निकलता। ये वाला ही मेरे को चाहिए था, जो पहले लिया था वो बड़ा बेकार था, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने निकाल दिया, तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज का ब्लॉग क्या रहता है। बाकी क्लियरिटी चेक करो कैसी लग रही है भाई, लाइक कमेंट शेयर अब नहीं किया ना आपने तो फिर कभी नहीं करोगे, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने किया। बेशक हीरो 7 लिया लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बाकी बातें करते हैं आगे निकलते टाइम, तो मिलते हैं सीधा निकल के, तो ठीक है मिलते हैं बाहर। और अपना छोटा भाई भी अपने साथ चलेगा, आज हमने उस वाले घर पे जाना, तो आपको व्लॉग भी दिख जाएगा, ठीक है। तो फटाफट निकालते हैं बाइक को बाहर, स्टैंड पे लगी हुई है, ठीक है। क्या लग रहा है नीचे, ना पहले बैठ गया, तो माइक मैंने लगा दिया, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही होगी तो ठीक है, नहीं तो माइक भी चेंज करना पड़ेगा। होप कि आपको आवाज़ आ रही हो, मेरे को पता नहीं है इसमें से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो करते हैं गाइस वाइजर को बंद एंड फटाफट अपने मोहल्ले में से फर्स्ट गोप्रो की क्लिप, और भाई घोड़े आगे बीच में भाई स्मूथ हो गई, थोड़ी वॉश करो ना तो इसको वगैरह करो स्मूथ हो जाती है भाई। तो भाई इतना बड़ा फ़ोन में आगे लगा के चलता था और अब इतने टाइम के बाद गोप्रो, भाई सीधा मज़ा आ रहा है कसम से। बाकी अब पता नहीं आपको एंगल अच्छा ही आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा आगे मतलब एक दो वो लगाया हुआ है तो थोड़ा आगे रखा हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से अच्छा एंगल आ रहा होगा मेरे हिसाब से एंगल। और भाई लोग देख रहे हो अपने, तो गाइस आज आपके भाई ने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे भी घर पे ही जा रहा हूँ मैं, तो राइडिंग जैकेट पहन के क्या करूँगा। और भाई ये आगे हम सूले वाइजर खोलते हैं, पहला शॉट भाई, ये देखो कितनी गंदी रोड है यहाँ पे, मतलब रोड की हालत ही बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, बिल्कुल ख़राब हो रखी है। और यहाँ पे देख सकते हो अपना क्या, पार्क में नहीं जाना यार, पार्क में बाद में देखेंगे फिर कभी, हाँ नीचे भी बाद में, मेरे को पकड़ ले बस। तो ओ भाई, तो इसको मैंने ये जैसे आपको बताया मैंने चार्जिंग वाला है, तो इसको जल्दी हम चार्ज वाला मतलब इसको फिट करवा देंगे। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खुद ही कर दूंगा फिट, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, लीन चेक मारवा। तो भाई साहब अब पता नहीं क्लैरिटी कैसी आएगी 1080 में, होप की अच्छी क्लैरिटी आनी चाहिए।
भाई पता क्या चक्कर आई है, मतलब थोड़ा टाइम के बाद इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, वैसे बैटरी चार्ज जाती है, रिकॉर्ड होता रहता है लेकिन स्क्रीन ऑफ हो जाती है। भाई 100 ऐसे चल रही है स्लो, और ये बीच में जो बजरी होती है ना ये सबसे ज़्यादा काम खराब करती है। व्हाट अ गाइस सेक्सी, मजा बहुत तगड़ा आ रहा है भाई। आज कैमरा ले लिया ना, अब लगता फील की नहीं मैं मोटो व्लॉगर हूँ, पहले नहीं लगता था, फोन ऐसे करो ये वो, तो हेटर्स की तो बहुत जलेगी, जो होंगे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं होंगे थोड़े बहुत होते हैं, वो तो सबके होते हैं, उनकी बड़ी जलती होगी। जो भाई मेरे को पहले बोलते थे भाई क्या कर रहा है ये वो, आज तो गोबर ले लिया, आप जो मर्जी बोलो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया जो मर्जी बोले, मुझे अपने काम से मतलब रखना, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। अब घर वालों ने तो मेरे को सपोर्ट की नहीं, मैंने अपने पैसों से लिया, अपने पैसे अपनी अर्निंग की है, अब भी अपने पैसे जोड़ के तो ये गोबरों लिया हुआ, ठीक है। तो फिर आपको पता ही है, जब घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं मोटो व्लॉगिंग अभी भी करता हूँ, ठीक है। मैंने तो गोप्रो वगैरह ले लिया, थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे ना। ओ भाई सांप, ओह देख रहे हो, ओ ओ ओ हम तो, ओ भाई सांप। तो यहाँ से हमें होना लेफ्ट टर्न, क्योंकि ऊपर वाली साइड अपना घर, फटाफट सामने व्यू चेक करो आप, वो देख रहे हो पीछे पहाड़ जहाँ पे बर्फ पड़ी है, तो इस बार मैं बर्फ में जा नहीं पाया क्योंकि देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी हम मैं थोड़े दिन में चले जाऊंगा सजरू अपने, वहां पे थोड़े टाइम रहूंगा, तो वहां की अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने वाले हैं भाई, तबाही होने वाली है चैनल पे अब, तो एक सरप्राइज हो रहा है आपके लिए, चैनल पे एक नई चीज़ होने वाली है, अब पता नहीं कब वो मैं करूँगा, जब भी आपको तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन ऑन करके रखो, ठीक है, जैसा मेरा ब्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर कुछ और आएगा मतलब सोच लो कुछ और आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है अपने चैनल पे, ठीक है। तबाही होने वाली गाइस, तबाही बोल दिया ना, तबाही तबाही करनी है, जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ, कुछ ऐसा करो कि दुनिया भी याद रखे कि बंदे ने क्या किया। जैसे मैं कल देख रहा था भाई सिद्धू मूसेवाला जी का गाना आया भाई, उनका मतलब एक दिन में 17 मिलियन व्यू हो भाई उस गाने पे, मैंने भी एक रील बनाई है तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर लिंक नहीं हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सर्च मार देना दी JK20 राइडर सेम नाम से, ठीक है, तो वो आपको मिल ही जाएगा। बाकी चैनल को जितना शेयर कर सकते हो आप करो भाई, अब तो कोई चक्कर नहीं, अब क्वालिटी भी मैंने इम्प्रूव कर दिया, पता नहीं कैसी क्वालिटी आएगी, वो आज मेरे को एडिटिंग करते टाइम भी पता चलेगा। तो दसानू, ये है दसानू का मार्केट, नहीं मतलब दसानू मेन दसानू यही है, तो ये स्कूल है दसानू का, ये दुकान एक उस साइड दुकान है, तो एक दो पीछे दुकान थी, तो ये है मंदिर। तो जो जो यहाँ से देखता भाई कमेंट करना दसानू से मेरे को कौन कौन देखता अपने मोहल्ले से, मेरा घर तो थोड़ा आ गया, जैसे आपको पता है दमानू, दमानू नाम है उस जगह का, तो ये है दसानू, ठीक है भाई। रोड अच्छी कर दी है, बट इसके ऊपर ये है ना बजरी वगैरह, मेरे को लगता है यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं ना सामान सामून लेके, तो उसमें से थोड़ी गिर जाती है भाई, थोड़ा ध्यान से किया करो उसको, थोड़ा कवर करके, थोड़ा कवर करके करोगे ना तो फिर अच्छा रहेगा भाई। पीछे जो बाइक वाले होते हैं, बाइक नहीं हाँ बाइक वाले स्कूटी वाले जो भी इधर आते होंगे, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई, कभी गिर भी सकते हैं अचानक से, कभी कुछ आगे आ जाए तो ब्रेक मारनी पड़ती है, जिसकी वजह से बंदा गिर सकता है, ठीक है। तो बाकी वो चेक कर रहे हो आप, यहाँ से आगे सामने वो सामने दिख रहा है आपको केवल स्टिंग ब्रिज, उसके ऊपर भी ब्लॉग होगा, अपना रेलवे स्टेशन के ऊपर भी होगा, टेंशन मत लो भाई, तबाही होने वाली है, मैंने बोल दिया। और ये क्या किया भाई इन्होंने, बीच रास्ते में क्यों डालते हो भाई, गिरेगा कोई, ऐसे गलत काम करते हो। तो गाइस इधर का ब्लॉग तो आपने देखा, लेकिन गोप्रो में मैंने नहीं बनाया हुआ, और ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर डालते हैं गंद, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेट है रोड, भगाते हैं, भगाएंगे ऐसे, बीच में बजरी देख रहे हो, बाइक अपनी करनी पड़ेगी पार्क, तो जरूर नीचे लेनी है, इस यहाँ पे साइड पे कर देते हैं पार्क, ठीक है। उतरो, तो इसको पार्क, फोन निकालते हैं भाई, ये लगा के ना एक चीज रहती है, कभी कभी बंदे को भूल भी जाता है कि फोन भी है अपने साथ, ठीक है। तो ये अपना छोटा भाई, तो ये रही अपनी बाइक कुछ ऐसी जगह पे, मैंने वॉश की, खाली पानी मारा वो नहीं किया मैंने, अच्छे से साफ़ नहीं की, ठीक है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सामान लेना, मतलब कि कनक वगैरह लेनी है, तो जैसे आपको पता है, बाकी परछाई में चेक कर सकते हो, ये रोड है, ये यहाँ से जाती है आगे कटरा वाले रोड में अटैच होती है, बट बीच में थोड़ा सा पार्ट है जो अभी अच्छे से अटैच नहीं हो पाया, ठीक है। तो भाई मेरे को टांगों में इतनी दर्द है ना, कल मैं पैदल पैदल गया भाई,
तो चलो भाई सेम ऐसा ब्लॉग आपने पहले भी देखा होगा जब मैं इसको पीछे धक्के मारा और बाइक की लुक देखो यहाँ से कितनी तगड़ी लगती है सेक्सी वाली। तो बाइक को मॉडिफाई भी करवाना था, मैंने सोचा पहले थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, देन उसके बाद देखेंगे थोड़ा अपने हिसाब से। बाकी व्यू आप चेक कर सकते हो, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। ओ भाई साहब देख रहे हो वो सामने, चेक करो भाई रियासी और अपना भीमगढ़ फोर्ट, ये हरियाली है यहाँ पे, ये कुछ मजे हैं है ना। मेरे को बड़ी अच्छी जगह लगती है और एक होता है ना फील आता है इस जगह पे अलग, देखो कितनी हरियाली है, एक अच्छी फ्रेश एयर आती है, नहीं किसी का शोर नहीं कुछ। और सामने व्यू देख सकते हो कितना तगड़ा आ रहा है, ये अपना घर है, इसके पीछे ये पुराने वाले घर है हमारे, इसके उस साइड है नहीं वाला घर जो हमने बनाया था। तो ये हमने लगाई हुई है गेहूँ कनक जिसको बोलते हैं वीट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जगह जगह बड़ी मस्ती की है मैंने छोटे होते यहाँ पे, मतलब अभी याद आती है वो बातें जब हम यहाँ से घूमा करते थे, यहाँ पे खेला करते थे। नीचे हमने केले के पेड़ लगाया, बनाना नीचे दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसी ऐसी जगह यहाँ खाई, ये गिर गई है पहले, यहाँ पे पूरी ऐसे होती थी, ठीक है। यहाँ पे हम फसल वगैरह लगाते हैं और ये कुछ ऐसे ऐसे टॉवर्स हैं सामने, और ये देख लो ये किस लिए होगा बताओ। ये होता है मतलब जब यहाँ पे मक्की लगाते हैं ना तो मंकी वगैरह होते हैं यहाँ पे बैठे रहता था, मैं भी बैठा रहता था। मैं सोचा था कि जैसे किसी औरों के मतलब जैसे होते हैं ना व्लॉग्स, मेरे को तो पता ही नहीं था होते थे ना, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनको मैं देखता था, मैं उनको पता नहीं होता था, मैं छोटा दिमाग होता था कि उनको पता नहीं होता कि वीडियो बन रही है। मैं सोच रहा मेरी भी कोई देखता होता मेरे को पता नहीं, और देखो मैंने वही स्टार्ट किया व्लॉग। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं यहाँ पे बरसात में तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है, कैसे बड़ा मज़ा आता था भाई बरसात। तो गाइस मिलते हैं आपसे तो जाते टाइम, यहाँ फिर व्लॉग एंड करेंगे। ये इधर वाला घर और सामने कुछ ऐसा व्यू, भाई क्या तवाही व्यू है। और ये कुछ पेड़ हैं और एक पेड़ हमने ये लगाया हुआ है। और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे नीचे एक पेड़ है, बड़ा लंबा पेड़ है, मतलब नीचे देख रहे हो कितनी खाई वहाँ से लेकर और यहाँ तक टॉप, मतलब यहाँ से इतना लंबा पेड़ है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्वालिटी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मतलब शेयर कर दो चैनल, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को रखते कुछ ना, होप करते कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कैसे लगे मैं अच्छे से करते ना, मिलता है लेकिन खतरनाक ऐसी अच्छे से ब्लॉग या अच्छी राइड पर। तब तक बेस्ट बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग अप GK20 राइडर। ये सामान लेने के लिए आया था मैं तो, अपने सिद्धू मूसे वाले जी के गाने लगे हुए हैं, निकल रहे हैं फुल पावर कि मेरे बाइक के 20K कंप्लीट हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन, देख रहे हो 20K मेरे कब करोगे भाई, जल्दी से मेरे भी कर दो।